बैक माई चैनल वैभवी फैशन स्टाइल ब्यूटी टिप्स एंड क्रिएटिविटी। माई नेम इज़ वैभवी। तो आज मैं आप लोगों के सामने ऐसा एक सीरम लेके आई हूँ, या फिर आपके फेस के लिए है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। घर पे ही बनाया है मैंने नाइट के लिए। उसके बेनिफिट मैं बताने वाली हूँ कि कैसे इसको लगाना है और क्या बेनिफिट से किस तरीके से हमारे स्किन पे ये काम करते हैं। तो ये जो सीरम है मैंने विंटर के लिए बनाया है, जो कि स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करेगा और आपकी स्किन ग्लोइंग बनाएगा। और घर पे ही 30-40 रुपये में ये सीरम बन जाता है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। हम एक बाउल में ग्लिसरीन डाल देंगे। ग्लिसरीन जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है फेस के लिए, स्पेशली विंटर में। ये मॉइस्चराइज रखता है हमारे स्किन को और हमारे स्किन ड्राई होने से बचाता है। तो हमें 3 टेबलस्पून यहाँ पे ग्लिसरीन डाल देना है। देन हम 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। एलोवेरा जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है फेस के लिए, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। और अगर आप एलोवेरा जेल चेहरे पे लगाते हो तो चेहरे पे धूल मिट्टी बैठी रहती है, या फिर आपकी जो स्किन है डल हो जाती है, डेड स्किन होती है, उसको साफ कर देता है और स्किन को ग्लोइंग बनाता है। इसमें एंटी एजिंग की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है और एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी भी। तो ये क्या करता है, एंटी एजिंग प्रॉब्लम को भी दूर करने में हेल्प करता है। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून गुलाब जल डाल दी हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। गुलाब जल क्या करता है, हमारे फेस को रिफ्रेश रखने में मदद करता है और हमारा फेस ग्लोइंग दिखने लगता है। गुलाब जल एक टोनर की तरह भी काम करता है। अब हम इसमें 3 विटामिन ई कैप्सूल डाल देंगे। आप इसकी जगह पे बादाम का तेल भी डाल सकते हो या फिर ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हो। विटामिन ई कैप्सूल जो है हमारे फेस को हेल्दी रखने में मदद करता है और हमारी जो स्किन है ग्लोइंग दिखना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए मैंने इस सीरम में विटामिन ई कैप्सूल डाली हूँ। इसको अब अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। हमने यहाँ पे बेबी मसाज ऑयल डाला है। आप चाहे तो कोई भी यहाँ पे ऑयल डाल सकते हो। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। इस टाइप का, इस कंसिस्टेंसी का हमें सीरम चाहिए। देन यहाँ पे मैंने दवाई की बोतल ली हूँ खाली, इसे अच्छे से क्लीन कर लिया था। अब इस कंटेनर में हम इसे डाल देंगे। गाइज, मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम की मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। हम इस सीरम को 1 महीने तक अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आपको इसे फ्रिज में स्टोर करके रखना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये सीरम फेस के लिए। आप इसे ट्राई करोगे तो आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 ड्रॉप्स डाल दिए अपने हाथ पे, तो आप देख सकते हो आराम से ये स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है और स्किन ग्लोइंग दिखने लगती है या फिर चमकने लगती है। तो आप देख सकते हो मेरे हाथ पे मैंने ये जब सीरम लगाया तो आप देख सकते हो किस तरीके से शाइन कर रहा है। अगर पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाऊंगी आपके सामने। और पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और मैं प्रीवियस वीडियोस की जो लिंक्स है वो भी सेंड कर दूंगी, आप जाके फिर से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।